हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, आई एम बैक। आज हम बात करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपकी किचन से रिलेटेड वोकैबुलरी की। आप में से लेडीज और इवन कई सारे जेंट्स, लॉकडाउन में आप लोगों ने भी खाना बनाना सीखा है, आपके भी ये काम आएगा। तो बहुत इजी वर्ब्स हैं, वेरी वेरी कंफर्टेबल टू यूज। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, स्ट्रेन यानी कि किसी भी चीज को छानना। स्ट्रेन आप टी को कर सकते हैं, स्ट्रेन आप इवन जूस को कर सकते हैं, राइट। नंबर टू, क्रश। क्रश का मींस वेल, जैसे आप अदरक मॉर्टर और पेसल में कूटते हैं उसको हम क्रश कहते हैं। तो क्रश द जिंजर, क्रश द गार्लिक। नंबर थ्री, मथना, दैट इज चर्न, चर्न। नेक्स्ट वन, किसी भी पाउडर को छानना। फॉर एग्जाम्पल आटा हो गया या फिर मैदा हो गया, उसमें लम्प्स, छोटी छोटी गांठें ना आ जाए, लम्प्स, गांठों को बोलते हैं लम्प्स, LUMPS। उसको छानने को बोलते हैं सिफ्ट, सिफ्ट। देन कम्स आटा गूंथने को बोलते हैं, जब आप पानी डालते हैं और उसके अंदर आटा गूंथते हैं तो उसे बोलते हैं नीड, इसमें के साइलेंट होता है, नीड द डो। और इवन जो गूंथा हुआ आटा है उसको भी हम डो कह सकते हैं, जो आप गूंथने के बाद फ्रिज में रख देते हैं तो वो भी डो कहलाता है। देन कम्स जब आप इस तरीके से चपाती को बेलते हैं, उसे बोलते हैं रोल आउट, रोल आउट द चपाती। नेक्स्ट वन, जब आप अंडा फेंटते हैं या फिर आप दही को फेंटते हैं तो आप विस्क यूज कर सकते हैं, इस तरीके से जब आप विस्क करते हैं। वैसे कई लोग स्पून से भी कर लेते हैं बट उसके लिए प्रॉपर आता है, उसको विस्कर कहते हैं, राइट। तो उसको बोलते हैं विस्क द एग या फिर विस्क द कर्ड। नाउ नेक्स्ट कम्स इज योर, किसी भी चीज को चलाना। चलाना इसलिए कि उसके अंदर लम्प्स ना पड़ जाए, जैसे कि कड़ी, हलवा, उसको बोलते हैं स्टर, स्टर। और जिस चीज से आप चलाते हैं वो होता है स्टरर। जब आप इवन कोस्टा कॉफी या फिर स्टारबक्स में कॉफी पीते हैं तो वो आपको शुगर के साथ एक पतली सी स्पून देते हैं, वो भी स्टरर होता है। कई लोग उसे स्टिरर कहते हैं, तो यू शुड बी क्लियर, इट इज नॉट स्टिरर, दिस इज स्टरर। नींबू निचोड़ना, उसको बोलते हैं स्क्वीज द लेमन। और जब भी आप किसी चीज को कद्दूकस करते हैं, राइट, इस तरीके से, उसको बोलते हैं ग्रेट। तो जैसे अगर मैंने कहा गोभी को ग्रेट कर दो तो ग्रेट द गोभी, ग्रेट द कॉलीफ्लावर, या फिर अदरक को ग्रेट कर दो, ग्रेट द जिंजर, मूली को कर दो, ग्रेट द रेडिश, ठीक। अब जब आप उसे ग्रेट कर देते हैं उसके बाद उसको जो ऊपर से छिड़कते हैं, चाहे वो धनिया हो या वो हो, उसको बोलते हैं स्प्रिंकल। यस, स्प्रिंकल कोरिएंडर, स्प्रिंकल यू नो रेडिश, और जो घिसी हुई रेडिश है यानी कि आपने जिसको घिसा है वो है ग्रेटेड। तो जो ग्रेट कर दिया आपने वो ग्रेटेड बन गया। ऑलराइट, अब थोड़ा फ्राई करने की भी बातें कर लेते हैं। जब आप कम तेल में तलते हैं तो उसे बोलते हैं शैलो फ्राई, और जब ज्यादा तेल में तलते हैं तो उसे बोलते हैं डीप फ्राई। एंड वेरी सिंपल वर्ड जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, जिसको आप तड़का लगाना कहते हैं, छौंक लगाना कहते हैं, आप कैसे भी कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सीजन। सीजन द वेजिटेबल, सीजन द दाल, और सीजन में इडी इडी लग जाता है, एक रेगुलर वर्ड है। इसको सॉटे भी कुछ कहते हैं, सॉटे, सॉटे भी कहा जाता है। तो आपसे जितने भी यूट्यूब चैनल आप फूड वाले देखेंगे उनमें ये वर्ड्स आपको फेमिलियर मिलेंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।